हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल दी ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ अ फोर्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोग वेरिग्नोन्स थ्योरम के प्रॉब्लम ले रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 12 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोज ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोज देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 13 लेने वाले हैं वेरिग्नोन्स थ्योरम का, है ना। तो जिसका स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, रिप्लेस द फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर विद अ सिंगल फोर्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, है ना। मतलब ये डायग्राम, ये ऊपर वाला डायग्राम हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, और क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी के मई 2015 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन में हम लोग को ये ऊपर वाला डायग्राम गिवन है, और इस गिवन डायग्राम का जो फोर्स सिस्टम है उसका हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, वो भी किसके रिस्पेक्टिवली, पॉइंट सी के रिस्पेक्टिवली, है ना। मतलब वेरिग्नोन्स थ्योरम का प्रॉब्लम है, जब भी बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, मतलब वेरिग्नोन्स थ्योरम का प्रॉब्लम है। तो सब में पहला स्टेप क्या होता है हमारा, टू ड्रॉ दी एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग को इसका ड्रॉ करना है। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले देखो यहां पे हमारे पास एक इंक्लाइन फोर्स है ना। इस इंक्लाइन फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में। यहां पे इस इंक्लाइन फोर्स का एंगल हम लोग को हॉरिजॉन्टल से पता है, हॉरिजॉन्टल से एंगल है 30 डिग्री, है ना। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा। जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा कॉस का, तो ये आ जाएगा 50 कॉस ऑफ 30, और यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा हमारा 50 साइन ऑफ 30, है ना। जहां से एंगल पता है वो होता है कॉस का कंपोनेंट, और जहां से नहीं पता है वो साइन का कंपोनेंट होता है ना। अभी इस इंक्लाइन फोर्स को हम लोगों ने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया है, तो इस इंक्लाइन फोर्स की हम लोग को यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ से रफ कर देंगे, मिटा देंगे। आप जब एफ बी डी बनाओगे तो तब आपको इंक्लाइन फोर्स को बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ये दो फोर्सेस बताना है ना। मैंने आपको समझ में आया इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था, है ना। अभी इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूडीएल। देखो यहाँ पे UDL है, UDL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। UDL को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, देखो 10 किलोन्यूटन पर मीटर का UDL है। UDL को क्या करना है, स्पैन से मल्टीप्लाई करना है। देखो 4 मीटर के स्पैन पे UDL है, तो सिंपल हम लोग को क्या करना है, UDL से स्पैन को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 10 × 4, कितना आ जाएगा 40 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड मिलेगा हम लोग को इस UDL को कन्वर्ट करने के बाद। सिंपल क्या करना है, UDL के फोर्स से स्पैन को मल्टीप्लाई करना है ना। अब ये जो UDL रहेगा ये कहाँ पे एक्ट होगा, ये एग्जैक्टली सेंटर में एक्ट होता है स्पैन के, है ना। 4 मीटर के स्पैन पे UDL एक्ट हो रहा है, तो 4 मीटर के सेंटर पे, मतलब इधर से 2 मीटर इधर से 2 मीटर रहेगा। देखो सो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस भी हो जाएगा 2 मीटर, ओके। बाकी ये हमारा फिक्स एंड मोमेंट है, वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हम लोग को एक UVL दिया है ना। अब इसे UVL को हम लोग को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। सो UVL को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, सिंपल UVL का शेप देखना है हम लोग को, है ना। ये UVL कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड रहेगा। तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, इस UVL को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। देखो उसके लिए यहाँ पे हम लोग इस UVL का शेप, दैट इज ट्रायंगल, ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल का बेस देखो, इसका बेस कितना है, बेस दिया हम लोग को 2 मीटर, है ना। सो ये बेस लिख देंगे 2 मीटर। अब इसका हाइट, हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, है ना। सो UVL का फोर्स जो रहेगा वो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे होता है, मतलब ये जो हाइट है UVL की, ये कौन शो करता है, फोर्स शो करता है। फोर्स कितना है, 12, है ना, 12 किलोन्यूटन मीटर का है। सो ये 12 इसका हाइट है और 2 इसका क्या है, बेस है। सो पॉइंट लोड ऑफ UVL विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, फोर्स इक्वल टू क्या रहेगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 × बेस × हाइट, है ना। सो देखो 1/2 × बेस, बेस कितना है 2 मीटर है, इंटू हाइट कितना है 12 मीटर है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पॉइंट लोड कितना मिला हम लोग को, 12 किलोन्यूटन का मिला। देखो अब 12 किलोमीटर का पॉइंट लोड मिल गया इस UVL को कन्वर्ट करने के बाद, लेकिन ये 12 किलोमीटर का पॉइंट लोड एग्जैक्टली कहां पे एक्ट होगा, सो उसके लिए देखो ये यहां पे इधर किधर एक्ट होगा, ये 12 किलोमीटर का हमारा पॉइंट लोड यहां पे किधर एक्ट होगा। अब इसका जो डिस्टेंस है देखो, यहां से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा हमारा b/3, है ना। ये कैसा है हमारा, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और ये जो पॉइंट लोड एक्ट होगा वो कहाँ पे एक्ट होगा, इस ट्रायंगल के सीजी पे एक्ट होगा। और हम लोग को पता है ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, सीजी होता है, वो इस वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल हाइट से कितने डिस्टेंस पे होता है, b/3, बेस/3 के डिस्टेंस पे होता है ना। तो हमारा बेस कितना है, 2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, b/3 यानी 2/3, यानी कि कितना हो जाएगा, 0.666 आंसर आएगा, 0.67 मीटर ले लेते हैं हम लोग, है ना। सो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.6
7 मीटर है ना। अब ये वाला पॉइंट है हमारा F और ये वाला पॉइंट है हमारा G। तो यहाँ पे हमारा जो इस UVL का पॉइंट लोड में कन्वर्ट हुआ है वो फोर्स कितने किलोन्यूटन का है, ये है 12 किलोन्यूटन का फोर्स रहेगा। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो 12 किलोन्यूटन का है। और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला अभी कितना है 0.67 है देखो। तो यहाँ से ये डिस्टेंस रहेगा 0.67 मीटर है ना, ये डिस्टेंस है 0.67 मीटर। सो चलो इस तरह से हम लोगों ने सारे फोर्सेस को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है, एफबीडी हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। अब क्या करना है, अब सिंपल हम लोग को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सब में पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। इसको रफ कर देते हैं सब में पहले, यहां से देखो। तो सब में पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेना है और लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव लेना है। देखो एफ ऑफ एक्स मतलब सिंपल सिस्टम में जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनको हम लोग को ऐड करना है। ऐसे ऐड करना है कि जो राइट साइड में फोर्सेस जा रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना है और जो लेफ्ट साइड में आएंगे फोर्सेस उनको नेगेटिव लेना है। तो देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हम लोग को देखना है। देखो ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल है, ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल है, ये दो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल है ना। और दोनों के दोनों फोर्सेस कैसे जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं। देखो तो राइट साइड में जो फोर्सेस जाएंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, तो दोनों को पॉजिटिव लेना है और दोनों को सिंपल ऐड करना है। देखो तो क्या करना है, 30 प्लस 50 cos of 30 है ना। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है सिस्टम में, नहीं है। और ये वाला जो फोर्स है ये क्या है, ये फिक्सेंड मोमेंट है, ये मोमेंट है। तो ये फोर्स के कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं आएगा, ये सिर्फ आएगा मोमेंट के कैलकुलेशन में, तो इसको कंसीडर ही नहीं करना है ना। तो दो फोर्सेस आ गए, अब ये दो फोर्सेस को अच्छे से कैल्सियम में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 73.3 किलो न्यूटन है ना। और आंसर हमारा पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया मतलब एफ ऑफ एक्स का डायरेक्शन कैसा है, राइटवर्ड है ना। तो डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग दे देंगे राइटवर्ड। अभी नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई है ना। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मतलब क्या होता है, जितने भी सारे सिस्टम में वर्टिकल फोर्सेस है उनका एडिशन करना है और जो अपवर्ड जाएंगे फोर्सेस उनको कैसे लेना है, अपवर्ड फोर्सेस को लेना है पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस को लेना है नेगेटिव। सो देखो इतने सारे वर्टिकल फोर्सेस है, देख लो यहाँ पे ये वाला फोर्स वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, तीन फोर्सेस है ना। अब ये दो फोर्सेस डाउनवर्ड है और ये वाला फोर्स अपवर्ड है ना। सो अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे तो सब में पहले इसको लिख दो 50 sin of 30 ये आ गया अपवर्ड पॉजिटिव, ये दो डाउनवर्ड है तो नेगेटिव आएंगे। तो क्या आ जाएगा, -40 -12। अभी इस सारे कैलकुलेशन को अच्छे से कैल्सियम में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को एफ ऑफ वाई का वैल्यू मिल जाएगा -27 किलो न्यूटन है ना। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, देखो माइनस साइन शो कर रहा है कि एफ ऑफ वाई पूरा कैसा है, डाउनवर्ड फोर्स है ना, पूरा एफ ऑफ वाई का फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड है। तो हम लोग यहां पे सिंपल क्या करेंगे, +27 किलो न्यूटन लिखेंगे और डायरेक्शन बता देंगे डाउनवर्ड है ना। ये मिल गया एफ ऑफ वाई। अब बारी है रिजल्टेंट की, देखो आर इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। सो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। देखो एफ ऑफ एक्स कितना मिला हम लोग को, एफ ऑफ एक्स मिला है 73.3 है ना इसका होल स्क्वायर, प्लस एफ ऑफ वाई मिला है हम लोग को -27। देखो अब -27 लिखो या +27 लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर है ना। अब ये सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैल्सियम में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहाँ से हम लोग को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा 78.11 किलो न्यूटन है ना। अब ये जो रिजल्टेंट का हम लोग को मैग्नीट्यूड मिला है इसका एंगल कहाँ पे है, कितने एंगल पे ये एक्ट हो रहा है, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है थीटा का, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर मॉड एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स है ना। अभी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस टैन को हम लोग उधर भेज देंगे। सो ये टैन इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ये वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे कैलसी में, क्या पुट करना है, टैन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई का वैल्यू कितना है 27, कैसा है माइनस है, लेकिन ये मॉड का क्या फंक्शन होता है, अंदर वैल्यू माइनस रहने दो प्लस रहने दो बाहर पॉजिटिव आने वाला है ना। तो इसके लिए हम लोग 27 को प्लस ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा 73.3 है, 73.3 है ना। देखो शिफ्ट दबा के टैन दबाना तो टैन इनवर्स मिल जाएगा, 27/73.3 कर दो। सो थीटा का वैल्यू यहां से हम लोग को मिल जाएगा 20.22
22 डिग्री है ना। सो एंगल थीटा कितना मिल गया, 20.22 डिग्री। अभी रिजल्टेंट का लोकेशन हम लोग देखते हैं कि रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में है। तो रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में, कैसे समझ में आएगा, एफ ऑफ एक्स कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। सो देखो एक्स पॉजिटिव और एफ ऑफ वाई की वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव आई, मतलब वाई नेगेटिव। सो देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम में ये होता है हमारा प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है ना। सो देखो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो इस वाले क्वाड्रेंट में हमारा रिजल्टेंट रहेगा है ना। और इस वाले क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ऐसे इधर किधर रिजल्टेंट रहेगा हमारा आर, जो कि हमारा 78.11 किलो न्यूटन का इसका मैग्नीट्यूड है। और इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से, इसका जो एंगल है थीटा, ये अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 20.22 डिग्री है ना। सो इस तरह से हम लोगों ने रिजल्टेंट को लोकेट किया है किस क्वाड्रेंट में है, कितने एंगल पे हॉरिजॉन्टल से है ना। लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम में क्या, प्रॉब्लम में बोला है कि इस रिजल्टेंट को हम लोग को लोकेट करना है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, मतलब पॉइंट को हम लोग को यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी लोकेट करना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, वेरिग्नोन्स थ्योरम का यूज करना है। तो वेरिग्नोन्स थ्योरम का यूज करना है मतलब एग्जैक्टली क्या करना है, इतने भी सारे फोर्सेस है इस सिस्टम में, इन सारे फोर्सेस का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मोमेंट लेना है। कहाँ से लेना है मोमेंट, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी लेना है। और फिर वेरिग्नोन्स थ्योरम का यूज करके हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। तो चलो सब में पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी इक्वल्स टू, हमारे पास दो टाइप के कंसिडरेशन होते हैं है ना। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट को, क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, या फिर इसका उल्टा ले सकते हैं है ना। इसका उल्टा लो या ये कंसिडरेशन लो, आंसर सेम आने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है ना। सो हम लोग ये कंसिडरेशन से जाएंगे। सो अभी मोमेंट लेना है पॉइंट सी से, तो सब में पहला पॉइंट क्या होता है, जब भी आप मोमेंट लेते हो तो देखना है जिस पॉइंट से हम मोमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट में से जितने भी फोर्सेस पास होंगे उनका मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा है ना। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट में से जो फोर्सेस पास होंगे उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। और मोमेंट क्या होता है, बेसिकली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया, सो फोर्स इंटू डिस्टेंस टोटल जीरो हो गया, मतलब मोमेंट ही जीरो हो गया है ना, इसलिए उनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो सब में पहले देखो ये वाला फोर्स पॉइंट में से पास हो रहा है, सी पॉइंट में से, इसकी लाइन देखो सी पॉइंट में से जा रही है, तो इस फोर्स को हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे है ना, इसको कंसीडर ही नहीं करना है। बाकी के 1, 2, 3, 4 ये चार फोर्सेस आएंगे और ये फिक्सेंड मोमेंट आएगा है ना। अभी जो फिक्सेंड मोमेंट होता है, फिक्सेंड मोमेंट का यूनिट आप ध्यान से देखो किलो न्यूटन मीटर है, इंटू मीटर है मतलब इंटू डिस्टेंस इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है ना। सो इसको यहाँ पे किसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, ये सिर्फ आएगा मोमेंट के कैलकुलेशन में, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई में ये नहीं आता है ना। सो मोमेंट की कैलकुलेशन में भी कैसे लेना है इसको, इसका सेंस देखना है। देखो कैसे रोटेट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है देखो। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको सिंपल हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पे कैलकुलेशन में, प्लस 10 लिख देना है बस है ना। अगर क्लॉकवाइज होता तो माइनस 10 लिखते है ना। डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे अभी सब में पहला फोर्स देखो, सी से पहला फोर्स है ये है ना। अभी फोर्स कैसे रोटेट हो रहा है ना, अभी हम लोग देखेंगे फोर्स कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। उसके लिए क्या करना है, मान लो कि हमारे पास राउंडर है, हमको सर्कल बनाना है ना। ये है राउंडर का पॉइंटर और ये है पेंसिल है ना। अब जिधर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में सर्कल बनाएंगे। देखो कैसे रोटेट हो रहा है, इस तरह से है ना। तो कैसे रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज है ना। सो क्लॉकवाइज फोर्सेस कैसे होते हैं हमारे, क्लॉकवाइज फोर्सेस आर नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस है ना। उसके बाद देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 30 है, तो यहाँ पे लिख दो 30 इंटू। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो क्या करना है, सिंपल फोर्स की लाइन को देखना है। फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस देखेंगे हम लोग वर्टिकल। देखो फोर्स की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल, कहाँ से, पॉइंट सी से इस लाइन तक का डिस्टेंस देखो ये कितना है, 1 मीटर है। देखो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारा, ये डिस्टेंस है हमारा 1 मीटर है ना। हम लोग को दिया है प्रॉब्लम में, यहाँ पे दिया है देखो, ये डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है ना। फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल, पॉइंट सी से कितना है, 1 मीटर है ना। तो यहाँ पे लिख दो 1 मीटर ओके। उसके बाद ये वाला फोर्स देखो, पॉइंटर है यहाँ पे, रेडियस है इतनी, ये है पेंसिल, डायरेक्शन नीचे है, तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे अगेन क्लॉकवाइज है ना, अगेन क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है मतलब माइनस है ना। अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 40, सो लिख दो 40 इंटू। अब इसका डिस्टेंस चाहिए तो फोर्स की लाइन देखो, फोर्स की लाइन है वर्टिकल तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल कितना है, 2 मीटर है ना। सो लिख दो यहाँ पे 2 मीटर।
देन इसके बाद नेक्स्ट वाला फोर्स कौन सा है हमारा, ये वाला फोर्स बचा है। देखो पॉइंटर है यहाँ पे, रेडियस है इतनी, रोटेट करना है, डायरेक्शन किधर है नीचे, तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे सर्कल बनेगा है ना, ये सेंटर इधर है तो सेंटर की तरफ सर्कल बनेगा, कैसे रोटेट हो रहा है, ये भी क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है ना, सो क्लॉक वाइज है तो अगेन माइनस, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 12। अब डिस्टेंस देखो, सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, देखो 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8 है ना, 8 + 0.67 तो कितना आ जाएगा 8.67, देखो यहां तक 8 है आगे 0.67 तो 8.67, सो इसका डिस्टेंस कितना हो गया 8.67 हो गया। अब नेक्स्ट बचा हमारा लास्ट वाला फोर्स, ये वाला फोर्स देखो है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है 50 cos 30 का, अब यहां से पॉइंटर है हमारा यहाँ पे, पेंसिल है यहाँ पे, देखो कैसे रोटेट होगा, देखो सेंटर इधर है, सर्कल बनाना है हम लोग को, डायरेक्शन इधर है तो कैसे रोटेट होगा, ऐसे अगेन, ये भी कैसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है ना, तो देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज है, इसके लिए क्या लिखेंगे माइनस है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दो कितना है 50 cos 30 है ना, इनटू अब इसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो यहाँ से लाइन है हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल, देखो ये 1 मीटर है और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस भी कितना है हमारा 1 मीटर है, देखो ऊपर दिया है यहाँ पे ये वन है ना, 1 + 1 कितना हो गया 2 मीटर, देखो सो लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल, पॉइंट सी से इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है ना, सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2 है ना, तो देखो 50 cos 30 के फोर्स की लाइन थी हॉरिजॉन्टल तो डिस्टेंस देखा हम लोगों ने, वर्टिकल आ गया 2 मीटर है ना, इस तरह से सारे फोर्सेस हम लोगों ने मोमेंट के कैलकुलेशन में ले लिए है ना, अभी क्या करना है सारा कैलकुलेशन अच्छे से कैल्सियम में पुट करना है और कैलकुलेट करना है, तो यहां से हम लोग को मोमेंट ऑफ दी फोर्सेज अबाउट पॉइंट सी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 290.64 किलो न्यूटन मीटर, ये आ गया हमारा मोमेंट। अभी देखो आंसर हमारा नेगेटिव आया है, माइनस में आया है, तो हम लोग को क्या करना है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, टोटल मोमेंट कैसे है हमारा क्लॉकवाइज है, टोटल मोमेंट क्लॉकवाइज है ये शो कर रहा है माइनस साइन, तो सब में पहले क्या करना है माइनस साइन को रिमूव करो, लिखो प्लस 290.64 किलो न्यूटन मीटर, और आगे हम लोग को यहाँ पे क्लॉकवाइज लिख देना है या फिर क्लॉकवाइज का ऐसे साइन बता दो है ना, तो ये मिल गया हम लोग को मोमेंट का वैल्यू। अब हम लोग को इसका डिस्टेंस निकालना, देखो रिजल्टेंट का डिस्टेंस पॉइंट सी से निकालना है, इसलिए वेरिग्नोन थ्योरम यूज करो, वेरिग्नोन थ्योरम क्या बोलता है, मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेज अबाउट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्स सिस्टम अबाउट पॉइंट सी, मतलब आर इंटू, सपोज मान लो जो भी हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट सी से वो कितना है डी है ना, सो आर इंटू डी क्या हो गया रिजल्टेंट का मोमेंट है ना विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी, सो अब जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज डी हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्स सिस्टम अबाउट पॉइंट सी डिवाइडेड बाय, यार इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा आर हो जाएगा, तो मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, मोमेंट की वैल्यू आ गई हमारी 290.64 है ना, और रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, रिजल्टेंट मिला था हम लोग को 78.11 है ना, इसको अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हम लोग को डी का वैल्यू मिल जाएगा 3.72 मीटर, देखो सो डी या दैट इज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला 3.72 मीटर मिला, मिल गया हम लोग को वैल्यू डी का है ना। अभी रिजल्टेंट को लोकेट कैसे करेंगे, देखो रिजल्टेंट को सिस्टम में लोकेट कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे ये वाला डायग्राम मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, देखो है ना, अभी देखो रिजल्टेंट को लोकेट करने के लिए यहाँ पे अलग से डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हो, सेम डायग्राम में बनाओगे तो भी चलेगा। अभी रिजल्टेंट हमारा कैसे जाएगा, हम लोगों ने देखा था रिजल्टेंट हमारा किधर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में था और उसको हॉरिजॉन्टल से एंगल 20 डिग्री था है ना, सो ऐसे ऐसे रिजल्टेंट कुछ जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल से, इस तरह से रिजल्टेंट हमारा यहाँ पे पास होने वाला है पॉइंट सी से, ये रहेगा हमारे रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन, ऐसे रिजल्टेंट जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया था मैग्नीट्यूड कितना था 78.11 किलो न्यूटन है ना, ये हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड था है ना, और इसका जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से ये थीटा, थीटा हम लोगों ने फाइंड आउट किया था 20.22 डिग्री है ना। अब
इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अभी जो हम लोगों ने डी फाइंड आउट किया है, वो डी वैल्यू कौन सा होता है, ये वाला वैल्यू होता है। देखो इस रिजल्टेंट के लाइन ऑफ एक्शन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट किया है अभी, ये डी है जो कि कितना है 3.72 मीटर है ना। अब इतना आप लोगों ने कर लिया तो भी सफिशियंट है, आपका प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट होता है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको और अच्छे से रिजल्टेंट को लोकेट करना है तो आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं, अब रिजल्टेंट जहां पे इस लाइन को कट कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, यहां से सी पॉइंट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एक्स इंटरसेप्ट है ना, मतलब यहां से इतना डिस्टेंस, ये होता है एक्स इंटरसेप्ट है ना। और सेम वे यहां से रिजल्टेंट जहां पे कट कर रहा है इस पॉइंट तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ये वाला होता है हमारा वाई इंटरसेप्ट। देखो अगर एक्स और वाई इंटरसेप्ट को भी आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया तो आपका जो लोकेशन है रिजल्टेंट का और परफेक्ट हो जाएगा ना। तो चलो लगे हाथों एक्स और वाई इंटरसेप्ट भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, क्या होता है, देखो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है, मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट सी डिवाइडेड बाय, डिवीजन में देखो एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई आएगा। तो देखो मोमेंट की वैल्यू अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट की है 290.64 है ना, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ वाई की वैल्यू आई थी 27, दोनों भी माइनस में, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा है ना। अब इसको कैलसी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हम लोग को एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू मिल जाएगा 10.76 मीटर है ना। सो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी मिल गई, 10.76 मीटर मिल गया। लगे हाँ तो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा है ना, सिर्फ यहाँ पे डिवीजन में f ऑफ y के जगह पे f ऑफ x आ जाएगा। देखो मोमेंट की वैल्यू सेम 290.64, ये माइनस में लिखो या प्लस में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। और डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स कितना आया था हमारा 73.3 है ना। अब इसको अच्छे से कैलसीम में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहाँ से हम लोग को वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू मिल जाएगा 3.97 मीटर है ना। तो यहाँ पे देखो वाई इंटरसेप्ट कितना मिल गया हम लोग को, 3.97 मीटर ये मिल गया हम लोग को वाई इंटरसेप्ट। तो देखो वाई इंटरसेप्ट मिल गया, एक्स इंटरसेप्ट मिल गया, डी का भी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।